खजाना यहाँ है। लोगों ने पूछा खजाना कहाँ है, देखा भी? हाँ, देखी मैंने भी। स्कूटी वाले ने यहाँ व्हीली मारी। बहुत फेमस है स्वर्ण भाजी यहाँ पे, और इनकी जो कलेक्शन है ये तो भाई पूरे इंडिया में जानी जाती है। मुंडा डाउन टाउन लाना गेड़िया, क्या है भाइयों के? ओनली वॉच इन द वर्ल्ड व्हिच इज इमरजेंसी। 500 रुपए पहले। बात तो रोज हो रही है बट फीलिंग लिटिल लो टुडे। एनीवेज अभी शुरू करते हैं सेकंड व्लॉग ऑफ द डे। लेट मी टेल यू, मतलब अभी का सीन ये है कि स्वर्ण पाजी की जो ग्रैंड टूरर है मेरे पास में है, उसको लेके मैं यहाँ से उनके घर में जाऊंगा, और हो सकता है कोई और बाइक में आज चलाने वाला उनकी, बिकॉज वी आर इन्वाइटेड ओवर देयर। तो वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। जैकी पाजी का भी कुछ काम है तो ही विल ज्वाइन अस लेटर। खन्ना जी मेरे साथ में पीछे बैठ के जाएंगे, और उसके बाद में क्या आगे प्लान बनता है आई एम नॉट श्योर, बट हाँ यार, मतलब बीइंग अ ह्यूमन सबके साथ होता है, अप्स एंड डाउन रहता है, कभी रहता है फुल एनर्जी, कभी रहता है थोड़ा सा डल। और वैसे भी देखो हम अर्ली उठे थे एंड थोड़े से टायर्ड थे, 2 घंटा मैं सोया हूँ, अभी नहा के मैं तैयार हो गया हूँ। सो एक रीज़न ये भी हो सकता है आई एम नॉट एनर्जेटिक एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली आगे आगे अभी जब बाइक चलाएंगे ना मूड अच्छा हो जाएगा। और मेरे को मुंबई तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को यहाँ घूमना अच्छा लगता है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। और यहाँ की पाजी ने लाइट उड़ा दी। पाजी कैसे कॉफ़ी पिला रहे हैं? मैंने पाजी को बोला कि यार देखो एनर्जी नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी बना के पिला दो। इन्होंने वहाँ पे मशीन लगाया और पूरा लाइट उड़ गया कमरे का। सो होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो दिस इज द सीन सो फार, बट जितना कहूंगा ना मतलब मुंबई के बारे में उतना कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आती हैं। मतलब मेरे को लगता है सितारों की नगरी है, ऑल दो मतलब सब यहाँ पे डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं, हेक्टिक लाइफ है, भागदौड़ है, ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, बट स्टिल आई फील यहाँ पे मेरे को अच्छी वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब मिलती हैं। और जो हमने यहाँ सर्कल बना रखा ना जिनसे हम हर बार आके मिलते हैं, सो सब हमें हेल्प करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में टाइम स्पेंड करना। सो मुंबई अपनी जान है। 500 रुपये पहले, 1000, चलो 2000, डील डन। पाजी कौन सी करा रहे हो, 2000 वाली, 4000 वाली? 500 रुपए वाली, तो 500 रुपए में तो इतना ही मिलेगा। सस्ते नशे, चलो हैशटैग सस्ते नशे, हैशटैग काली कॉफी इन काला कप। मैं घर जाना सी, 18 दिन हो गए सी, मम्मी ने बुलाया सी, एंड लेट मी टेल यू मतलब हम लोग सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि घर से दूर हैं तो घर वाले भी कॉल करते हैं, बोलते हैं याद आ रही है यार, सर्दी है वहाँ पे, एंड मेरे तो पापा में बोलते थे मैं वीडियो हाँ वो मिस कर दिया। नया साल हम लोग यहाँ मतलब हम लोग तो रोड पे मनाने वाले हैं, बट हाँ जिस दिन ये वीडियो रिलीज हो रहा 31st होगी, तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई होप कि ये साल तो चलो कोई याद नहीं रखने वाला, अगला साल अच्छा जाए सबके लिए, आपको पैसा मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, और मिले कोविड का वैक्सीन, जो चाहिए वो मिले, जो चाहिए लाइफ में आपको वो मिले। सो दिस इज अवर प्रेयर्स फॉर यू। हम लोग तो धक्के से K2K कंप्लीट कर लेंगे, कभी हमारी बाइक खराब हो जाती, कभी ये हो जाता है, बट वी विश कि आपको मिले जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, अच्छे रोड्स मिले, रोड ट्रिप मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छी मेमोरीज मिले, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छी बाइक लो, अपने सपने पूरे करो। बट हाँ सपने अगर पूरे करने हैं तो भाई प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी, ये नहीं कि जब आपको चाहिए चीज तभी मिलेगी, जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदना पड़ेगा। सो प्लान वाइजली। और एक सजेशन है यहाँ पे, हर बार मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है क्वेरा, अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको मिलते हैं अच्छे रिटर्न्स। और यहाँ पे एक रोबो एडवाइजरी है जो आपको बताता है कि कहाँ पे आप पैसे डालो तो कहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। साथ ही इसके ऊपर में आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऐसे ही बहुत सारे और फीचर्स हैं। आप इसमें अपना गोल सेट करके कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम में आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो, डाउनलोड कर लो, यूज करो, और अच्छा लगे तो आगे रिकमेंड भी करना। और अपना 2021 मतलब रेजोल्यूशन सेट कर लेना कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है, हेल्थ वाइज आपको स्ट्रांग होना है, और घूमने के हिसाब से मतलब हम तो इंडिया घूम रहे हैं, आप वर्ल्ड घूमना।
है ना, बट सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाए तो, कोविड खत्म हो जाए तो, मास्क जाए बट आस ना जाए, तो इसी आस से हम लोग अपनी एसेस यहाँ से उठा के आगे को जा रहे हैं। पाजी वी विल मिस यू, थोड़ी देर में आप ज्वाइन करना हमें। खन्ना जी और मैं जा रहे हैं राजू की सवारी के ऊपर में, नीचे से बाइक निकालते हैं, आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। एंड ये पीछे बैठ के थोड़ा सा हमें हेल्प करेंगे, कभी नेविगेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर में फोन लगाने की जगह नहीं है, इसमें इनबिल्ट। और जब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब नई जगह को जाएंगे तो फोटो वीडियो बढ़िया निकाल लेना बॉस, इंस्टाग्राम भी चमकाना है। ये कहाँ आ गए हम? खन्ना जी कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बड़ी कम्फर्टेबल है यार ये। खन्ना जी को आ रहे हैं असली मजे पीछे बैठ के राजो की सवारी के, और बहुत कम्फर्टेबल है। सोफे पे बैठ गया यार, सोफे सही है, लग्जरी सोफा, लग्जरी सोफे पे बैठ गया, BMW के सोफे। ओह माय गॉड, 50 लाख के सोफे पे बैठे हो, सही है। तो भाई देखो ऐसा है, जहाँ जहाँ मैप ले जाएगा वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे, हमें रास्तों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट अभी जहाँ हमें जाना है लेट्स से 10 किलोमीटर्स अवे एंड 20-25 मिनट्स लग जाएंगे वहाँ पहुँचते, क्योंकि यहाँ पे संडे नहीं होता, मतलब रेगुलर डे होता है एक तरह से, मतलब रश बहुत होता है। एंड अगर संडे को हमने इतना रश देखा तो सोचो रेगुलर डे पे कितना रश देखेंगे। सो वी आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ द रश, वी आर स्केयर्ड ऑफ द ट्रैफिक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छी बात रही कि हमारे होटल के पास में गुरुद्वारा साहिब है, श्री गुरु नानक दरबार, तो पूरी कोशिश है कि रात में इधर को आएंगे। वाहेगुरु जी कृपा रखना, हमारा ट्रिप जाए बहुत बढ़िया से, सब लोग सेफ एंड स्वस्थ घर पहुँचे, और जो घर वाले हैं वो भी सेफ एंड स्वस्थ रहें, एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी प्रेयर्स हैं, सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। मेरे भाई लोग, अच्छी लाइफ जीने का सबको अधिकार है, बट हाँ, हर किसी को बाय बर्थ नहीं मिली है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुंडा डाउनटाउन लांदा गेड़िया, क्या हाल है भाई? हो गए तो आई लग ब्रा। मेरे लेफ्ट में दोस्तों एयरपोर्ट, यहाँ का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी ओ भाई, तूने देखा अभी? हाँ देखी मैंने। स्कूटी वाले ने यहाँ व्हीली मारी और रेड लाइट तोड़ के निकल गया राइट को। भाई खजाना यहाँ है, लोगों ने पूछा खजाना कहाँ है? भाई उतरना टास्क है, उतरना थोड़ा सा टास्क है, आई अंडरस्टैंड। मतलब राइडर के लिए भी, प्लेन के लिए भी, देखो अब मैं ऐसे स्टैंड लगाऊंगा एंड उतरने के लिए मुझे ऐसे टांग बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे करके लगाऊंगा तो यहाँ लग जाएगी। एंड सुबह में खन्ना जी ये चला रहे थे Z1000, दिमाग में चल रही थी ना? अरे उसकी आवाज मतलब इतनी लाउड थी कि इसमें क्या है, पीछे देखो डबल एग्जॉस्ट है, कस्टम और कस्टम नहीं भाई, एससी प्रोजेक्ट है, सीआरटी एडिशन। वाओ, तो दोनों में से बैकफायर निकल रहा था, फचाक फचाक फचाक, हैशटैग असली। वो बंद क्यों नहीं हुआ? ये मेरे को देख रही है, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों आंखें मुझे घूर रही है। चलो बंद कर दो, ऑफ कर दो। यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, येलो बॉक्स, जिसके अंदर से निकलेगा खजाना। सो आई एम श्योर लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या है बॉक्स के अंदर में। ब्रिटलिंग का वॉच है वर्थ 11 लाख रुपीज, जो पाजी ऑन करते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने लिया बॉस। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत हाईटेक है एंड लाइफ सेवर चीज है। चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो अच्छे से। ओनली वॉच इन द वर्ल्ड व्हिच इज इमरजेंसी वॉच, एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर अटक गए कोई तकलीफ हुई और जहाँ भी हो आप, मतलब वर्ल्ड वाइड ये एंटीना जो है सिग्नल देगा। अगर फर्स्ट टाइम आपने एंटीना गलती से खोल दिया तो 7.5 लाख रुपए भरना फाइन है। सेकंड टाइम भी अगर गलती से खोल दिया तो 6 महीने अरेस्ट है, कि आपने मस्ती कर रहा हमारे साथ। जेल में दाल अच्छी है ना, जेल की दाल अच्छी है भाजी, ये पीली दाल मिलेगी पीले रंग की। एनीवे यार नाइस कलेक्शन भाजी। एंड अभी हमने एक चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है, पहले तो हमने जब पंजाब सिंह डेयरी ना उसका स्वाद पनीर का पकौड़ा खाया, मैंने उससे साथ में आज तक कभी पनीर साथ में चाय पी है, बट चाय में भी ट्विस्ट था कि हम दोनों के कप थे ब्लू, पाजी का था येलो, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ नीचे जो कलेक्शन है मेजरली येलो, देखो गोली भी येलो खाते हैं। अभी वैसे इन्होंने एक चीज दिखाई थी, कैमरा में बता नहीं सकते, बट वो भी येलो। हमें यहाँ से एक ऐसी चीज मिली, मतलब कि हम जब चर्चा होगी ना पाजी की तो उसको याद करेंगे कि ऐसा मोमेंट भी हुआ था, हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, बट पब्लिकली नहीं बता सकते। ये बताने लगे वैसे पाजी, मतलब हमारी मेमोरीज है, मुंबई की मेमोरीज है, और हम लोग जितनी बार भी मुंबई आते हैं ना बहुत ख्याल रखते हैं भाई। थैंक यू सुरेंद्र जी, सब सब्सक्राइबर्स को बोला जी, द बेस्ट पार्ट जो मेनू थोड़े लोगों का अच्छा लगता है, दैट यू ऑल आर वेरी ग्राउंडेड।
जो मैं हमेशा कहना, ए दोस्त तुम कितना भी झूलो पर अपनी औकात ना भूलो। हमने वो गरीबी देखी है, अभी लास्ट टाइम दिल्ली में बैठे हमने अपनी गरीबों की बात की है। एंड एक चीज बोला ना, आज थोड़े 25-26 लाख सब्सक्राइबर्स जी, कल 1 करोड़ भी होंगे, लेकिन अहंकार इधर ना है। एंड विच आई फील थोड़े अंदर कभी भी नहीं आएगा। एंड वाहेगुरु कृपा करन, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो हाथ मिलाओ भाई, गूज बम्स आ गए, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल से निकली बात है। क्योंकि यार हम सबने ना वो टाइम देखा है जब हमने जहाँ से शुरू किया और ये शौक ने हमें आगे ले गए, किस्मत और उनकी उस गरीबी से मजाक उड़ाया और अकेले के अंदर ऐसी रोंदे सी। आई टुडे थैंक दोस पीपल, मजाक नहीं उड़ाते नहीं, इंस्पायर करना बनता। देखो ये लोग जो वीडियो हमारी देखते हैं ना, बहुत आशाओं से देखते हैं कि इनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आए, कुछ नॉलेज भी मिले, एंटरटेनमेंट भी, और कुछ अच्छी चीज हम लोग शेयर करें पॉजिटिव। जब ये वीडियो खत्म होती है ना तो इनको थोड़ा मोटिव मिलता है कुछ अच्छा करने का। एक डायलॉग, दोस्त तुम कितना भी झूलो पर अपनी औकात ना बोलो भाई। कमेंट डाउन बिलो, आज स्पैम कर देने का इसका। और अभी क्या, नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे, आज आपको येलो कलेक्शन दिखाएंगे पाजी की। वैसे बहुत सारी बाइक्स नीचे खड़ी हैं, एंड एक बार मोटा मोटा आपको आइडिया देंगे कितनी की बाइक्स हैं। बहुत सारी तो यूनिक, जैसे मैंने आज सुबह चलाई थी एक बाइक ग्रैंड अमेरिका, दैट इज K1600 GL बोलते हैं उसको। I paid 6 lakh rupees extra for that चला। One piece in India, nice। तो ऐसे ही बहुत सारी different bikes हैं। मेरा बस चल रहा। हाँ जी। तो मैं इन्हें भी yellow करता हूँ। सही कर रहे हैं। And पाजी ये dogs के बारे में भी थोड़ा सा। भाई ऐसा वैसा dog नहीं है यहाँ पे। मेरी Lily। This is Lily and ये Lily बहुत अच्छी है, ने बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जमे नहीं। एक कैमरा उधर घुमाओ ना। Yes, मैं आ रहा हूँ उधर हूँ। ए लिली ने बहुत चंगा कम कितना है, प्यारे प्यारे बच्चे दिते ने, बहुत ही क्यूट है। एक बार आपको मैं वो भी दिखाना चाहूंगा, अभी बहुत देर से हमारी गोदी में खेल रहे थे। कितनी प्रोटेक्टिव है, चेक कर रही है कि बच्चों को कोई रिस्क तो नहीं है। देखो 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 देखो, ऑल ओके लिली, ऑल ओके। कहते हैं गैरेज गोल्स, मतलब एक से एक बेशुमार बाइक यहाँ पीछे में खड़ी है। मैक्सिमम बाइक्स का है नंबर वन, बट एक नोट करने वाली चीज है, मंदिर का कलर क्या होता है, पीला। और यहाँ पे क्या है, ये जो बाइक्स ने इनको देख के एक बार विश निकलती है, भगवान ऐसी बाइक हमारे गैरेज में भी हो और ऐसा ड्रीम गैरेज हमारे पास भी हो। बट यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, मतलब सारी बाइकें जिसमें भी टू व्हील्स है ऑब्वियसली उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, उनको सजाया जाता है, पैम्पर किया जाता है और उनका रखा जाता है बहुत ज्यादा ख्याल। तो ये वैसे वर्ल्ड फेमस गैरेज है, देखो लोग आते हैं यहाँ को देखने को, बहुत फेमस है स्वर्ण पाजी यहाँ पे। और इनकी जो कलेक्शन है ये तो भाई पूरे इंडिया में जानी जाती है। ये आपने कब खरीदी थी? ये अभी जून जून में ली थी, चला के दिल्ली आए थे और मैंने चलाई थी, एक हफ्ता तो मेरे पास में थी, राइट। सो वेरी नाइसली डन, बहुत सारा मॉड किया गया, बहुत सारा इसके अंदर में एसेसरी लगा हुआ है, जैसे लाइट है शायद, दिस इज फॉर 1.5 क्लियर वाटर, बेस्ट एडिशन। एंड ये अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडिया में, आपने देखा होगा, अभी हमने रोड पे नहीं देखा था पहले, बट देखो गैरेज में ये भी खड़ा है। गुड चॉइस, अभी रजिस्टर नहीं हुई बट होगी तो आई एम श्योर 0001 ही लगेगा इसके ऊपर में। एंड कमिंग टू दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक मशीन हियर, द इंडियन रोड मास्टर एलीट वन एंड ओनली लिमिटेड। And it's now there are only two pieces. एक उनके से हाथ में किसी ने लिखती है, एक मेरे को ले। The best part about this bike is everything is pure 24 karat gold. This is 24 karat gold. Nice. But ये आपको येलो में नहीं मिला? This is the paint. They charge 7 lakh rupees for this. Oh my god. And this was a limited edition. बहुत पहचान लगा के मिल गई. Nice. तो एंड में एक बार ये भी पूछेंगे कि कितने रुपए खर्चे गए ऑलमोस्ट हर मोटरसाइकिल पे। एंड दिस इज द विक्ट्री वन, दिस इज द विक्ट्री विजन, विक्ट्री विजन, राइट। तो ये भी बहुत लिमिटेड है, थ्री इन इंडिया, बट आई थिंक द वन व्हिच आई हैव मेड इज लाइक ओनली वन इन द वर्ल्ड। अच्छा, एंड ये भी मैंने लास्ट टाइम राइड किया था, द गोल्ड विंग येलो वन। और इसके अंदर भी जो लाइट सिस्टम लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, दैट इज अमेजिंग, क्योंकि लाइट्स ही इसमें बहुत ब्यूटीफुल थे। आई एम श्योर आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, इनकेस मिस कर दिया तो कोशिश करेंगे उसको भी आई बटन में देने का। एंड विच बाइक इज यामा 2000 cc, ओके, ओनली वन इन इंडिया। ओह माय गॉड, सो दिस इज आल्सो सो रेयर, सो यूनिक, कार्बन बैग्स एंड ऑल, कार्बन बैग्स, कार्बन सीट्स, ऑल मेड इन अमेरिका, ऑसम। और पाजी की भाई गाड़ी भी जो येलो में है, इसका भी 0001 है। गाड़ियां तो वैसे बहुत है, बट दिस इज ऑल्सो येलो, दिस इज द BMW 530। खन्ना जी सुबह में ये चला रहे थे Z1000, ये भी वन रजिस्टर्ड है, मतलब 0001। और पीछे में जो ये खड़ी है ग्रैंड अमेरिका BMW, ये भी मैं सुबह में चला रहा था, इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है 0001। ओनली वन इन इंडिया, ये पुरानी मेमोरी। ओह माय गॉड, एक चीज तो मैं भूल गया,
गाइस हैव अ लुक, ये भी इन्होंने रिसेंटली खरीदी है, दिस इज F6B होंडा गोल्डविंग। गोल्डविंग जो एक्चुअल होती है उससे छोटा मॉडल होता है, 600cc है। इसकी बेस्ट पार्ट पता क्या है कि मैं गया था हैदराबाद में, मैंने वहां पे इसको राइड किया था। एंड एक चीज है दिखाने लायक, यहाँ पे एक GoPro माउंट है, मतलब GoPro का जो बेस है वो मैंने चिपकाया था हैदराबाद में और वो आज तक इस बाइक के ऊपर में। सो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है, मैंने पहली बार ये बाइक चलाई थी। अगेन दिस इज वेरी रेयर, आई गेस वन पीस। तो ये होती है भाई कलेक्शन, ऑनेस्टली कितनी रेयर बाइक्स हैं और कितनी प्रीमियम बाइक्स हैं। सो लेट्स अज्यूम मतलब 3 करोड़ रुपए का माल है। वो छोड़ो, खाली इतना है, मैं बोलूंगा कि बहुत रोया हूँ, बहुत अरदासें की है, गरीबी बहुत देखी है, ये इनकम बहुत 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 प्रे किया है। मैं एक ही चीज तुम्हें बोलूंगा दोस्त, तुम कितना भी झूलो पर अपनी औकात मत भूलो। हम भूले नहीं कि हम कौन से दिन से आए। सही बात, दैट्स द रीजन आई सीरियसली गिव द सेम रिस्पेक्ट टू ऑल द बाइक। नहीं सच्ची बात है, होए कि कोई भी होए। एक इंसिडेंस और पता क्या है, पिछली बार हम आए थे तो बूसा में कुछ रिपेयर का काम था, एक मैकेनिक की शॉप पे गए थे गुड्डू भैया के पास शायद में, तो वहाँ पे एक S2 खड़ी थी, मैंने इनको बोला था बाजी मेरा ड्रीम है और इन्होंने अरदास करी। तो याद होगा मैं साइड तक अरदास की थी। सच्ची, इन्होंने बोला था, मैंने दिल से बोला था कि यार मेरा ना सपना एक बार S2 लेने का, तो इन्होंने भी अरदास करी थी और फाइनली आई बॉट दी S2। वैसे एक S2 इधर में भी खड़ी है, इसका भी जो लास्ट नंबर दैट्स 1001। ये लकीली भी लकी पे है, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है, बड़े क्रिएटिव है, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी डालते हैं, कंटेंट बनाते हैं। एंड उन्होंने भी रिसेंटली ली है और क्या कंडीशन में बॉस, एंड ही इज इंस्पायर्ड बाय मी। ओहो, ही डजंट वांट टू बिकम लाइक मी। सही सही गल है। तो भाई मजा आने वाला है, अब आपको डेमो मिल चुका है, आपको पता है अभी आगे क्या कंटेंट आने वाला है। We are waiting for few more people and then we'll start the ride, और उसके बाद होगा पूरा मुंबई दर्शन and we are going to the downtown. Yeah. Okay. Marine Drive. Nice. अच्छा लकीली जब हम इधर हैं, कल सिमरन का बर्थडे है और ये इनकी डॉटर है, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। एंड सब कमेंट करने का भाई, बिल्कुल सब कमेंट में विश करने का सिमरन को हैप्पी बर्थडे।